नमस्कार प्रिय जेमी रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान मजेदार और स्वादिष्ट ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं, परफेक्ट ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। उससे पहले अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे। तो चलो रेसिपी को शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है और उसको मैंने इस तरह से क्यूब में कट कर लिया। उसमें जाएगा 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। इसको हमें मैरिनेट करना है और इसे 10-15 मिनट हम साइड में रख देंगे। इस पैन में मैंने 2 चम्मच तक घी डाला है और उसमें हम पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। हमें बिल्कुल भी पनीर को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इतना ही कि हमने जो मसाले मैरिनेट करते वक्त डाले थे वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ढाबा स्टाइल पनीर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होती है। अब हम इसे साइड में निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाला है। घी की जगह पे बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो और उसमें हम थोड़ा सा और तेल डालेंगे। यहाँ जाएगा रफली चॉप किया हुआ प्याज, रफली चॉप किया हुआ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ। ये 10-12 कलियाँ ली है मैंने। इस सभी सामग्री को हम अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा सुनहरा होने के बाद हम इसमें एक बे लीफ डालेंगे, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 5 काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा। इस सभी सामग्री को हम अच्छे से चला लेते हैं। हमारे सभी मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के बाद इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे हमने 3 टोमेटो लिए हैं, इसकी भी हम एक प्यूरी बना लेंगे। एक पैन में हमने 2 चम्मच तेल डाला है, इसमें हम प्याज और मसालों का जो फाइन पेस्ट बना लिया है उसे डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे तेल में फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच बेसन। ये ढाबा स्टाइल पनीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है, इससे सब्जी को अच्छे से थिकनेस आती है। अब डालेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद हमें तब तक पकाना है इसे जब तक ये अच्छे से साइड से तेल न छूटने लगे। आप देख सकते हो कि अच्छे से हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो सके। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक हल्का सा उसमें उबल आने देते हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है इसको। अब इस स्टेप पे हम इसमें हमने जो पनीर शैडो फ्राई कर लिया था उसे हम डाल देंगे। इस पनीर को हम 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जो मसाले हैं वो इसमें अच्छे से घुल मिल जाए। दो मिनट बाद हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रहे हैं। इसे मैंने थोड़ा सा भून लिया था और अभी इसे हम इस तरह से क्रश करके हाथ से मसल के डालेंगे। अब हमारे पनीर में जाएगा 2 चम्मच हरा धनिया, ये चॉप कर लिया है अच्छे से। तो लीजिए, तैयार है हमारा परफेक्ट ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। अब हम इस ढाबा स्टाइल पनीर की प्लेटिंग करेंगे। आप इसे रोटी, चावल, चपाती, नान इन सभी के साथ सर्व कर सकते हो। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।